हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रश्मि शाह, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 5 डेज डिटॉक्स डाइट टू लूज बेली फैट एंड किक स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। हम रोज़ की ज़िंदगी में, हमारे खाने में से, एनवायरनमेंट में से, पानी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स कंज्यूम करते हैं। इन टॉक्सिन्स को टाइम टू टाइम वक्त पे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। डे 1 इज नो ग्रेन डाइट, डे 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट, डे 3 स्मूदीज डाइट, डे 4 नो ग्रेन डाइट एंड डे 5 इज मिल्क एंड बनाना डाइट। सो सबसे पहला है नो ग्रेन डाइट। इसमें आप किसी भी प्रकार के ग्रेन्स यानी अनाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे इंडियन डाइट में हम सबसे ज़्यादा तो अनाज ही खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी और बहुत सारी चीज़ें। ओवर ईटिंग ऑफ ग्रेन्स कैन लीड टू गट इन्फ्लेमेशन विच मे लीड टू अदर डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज बेली फैट, वेट गेन, थायराइड, PCOS एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नो ग्रेन डाइट में आप दाल या पल्सेस ही खा सकते हैं, इससे बनी ही चीज़ें आपको खानी है। जैसे ब्रेकफास्ट में आपने बेसन का चीला ले लिया, लंच में आप खा सकते हो मूंग या मिक्स दाल का ढोकला, रोटी, इडली या डोसा, और डिनर में आप ले सकते हो दाल या स्प्राउट्स का सूप। इन सब के साथ आप दिन भर में फ्रूट्स, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। डे 2 इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट। अब पूरे दिन में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाएंगे। आप वेजिटेबल्स को या तो रॉ खा सकते हो या तो फिर उन्हें स्टीम करके, कुक करके भी खा सकते हो, लेकिन इसमें आप किसी भी तरह का सॉल्ट, स्पाइसेस, कोई भी मसाले या तेल या घी कुछ भी नहीं डालेंगे। याद रहे, सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं खाने हैं, इसके साथ में आपको बहुत सारा सलाड्स भी खाना है। आपको जब भी भूख लगे, जैसे भी भूख लगे, आप सबसे पहले वेजिटेबल्स खाएंगे और उसके बाद आप कोई भी फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप खा सकते हो। डिनर में आप ले सकते हो मिक्स वेजिटेबल सूप विद वेरी लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट। डे 3 ये आपको थोड़ा सा टफ जा सकता है। इसमें आपको दिन भर में सिर्फ स्मूदीज ही लेनी है। स्मूदीज आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को मिक्स करके बना सकते हो, जैसे एप्पल, क्यूकम्बर, पुदीना और लेमन मिला के आप ग्रीन स्मूदी बना सकते हो। ऑरेंज, कैरेट, बीटरूट एंड जिंजर को मिला के रेड स्मूदी बना सकते हो। पाइनएप्पल, कैरेट्स, मैंगो अगर अवेलेबल है, या तो फिर उसमें कोकोनट वाटर डाल के उसकी एक पिना कोलाडा येलो कलर की स्मूदी बना सकते हो। सो वॉट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू हैव अवेलेबल एट होम, उससे आपको जो चाहे वो कॉम्बिनेशन बना के आप जो चाहे वो स्मूदीज ले सकते हो। दिन भर में सिर्फ अगर आप स्मूदी लेते हो तो आपकी डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलेगा और ये दूसरे दिन और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। याद रहे, स्मूदीज के लिए आपको एक फ्रूट प्लस 2 वेजिटेबल्स और उसमें बेस या तो वाटर या कोकोनट वाटर का आप ले सकते हो। इसमें आप कोई भी तरह का मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल सकते हो। याद रहे, आपके स्मूदीज सॉफ्ट ब्लेंड या स्मूथ ही होने चाहिए, लंपी और बहुत ज़्यादा थिक स्मूदी पीने में दिक्कत हो सकती है। स्मूदीज बनाने के बाद उन्हें 15 मिनट के अंदर ही आपको कंज्यूम करना है। आप उसे बना के कहीं पे कैरी ना करें। स्मूदीज का डाइट आप तभी करें जब आप घर पे हो या जब आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आप स्मूदीज बना के आराम से पी सकते हो और आप दिन भर में बहुत अच्छी रेस्ट भी कर सकते हो। डे 4 इज अगेन नो ग्रेन डे। जैसे हमने डे 1 को फॉलो किया था, वैसा ही सेम आपको डे 4 पे नो ग्रेन डे फॉलो करना है। डे 5 इज मिल्क एंड बनाना डे। मिल्क इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, पोटेशियम, बी विटामिन एंड फॉस्फरस। इट इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम विच प्लेज अ की रोल इन बोन हेल्थ, नर्वस फंक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। बनानाज आर लोडेड विथ फाइबर्स, मैंगनीज, पोटेशियम एंड विटामिन B6। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड बनाना
will help you to recover, rejuvenate and build strength as well. On this day, you can have maximum 8 bananas and maximum 3 glasses of milk. Each glass will be of 250 ml only, no sugar added. You can eat this separately or make a thick shake out of it. But for dinner, you will take mixed vegetable soup with very little salt and nothing else. Now, few ground rules to make this detox diet amazingly beneficial, and these are: 1. Drink 4 liters of water to maximize your detox. Number 2. Take any good laxative for these 5 days so that your systems will be completely cleansed. Number 3. Do light yoga and walk for these 5 days. Avoid doing heavy workouts. Number 4. Completely avoid chicken, fish, eggs, oil, white salt, sugar, potato, maida and fried and bakery items for all these 5 days. Number 5. On all these 5 days, you can take green tea, herbal tea, black tea, but there is strictly no to your regular tea and coffee. Number 6. Take as much as rest as you can. This will help you to relax and rejuvenate, and your detox will give you the best benefits. Now lastly, you can do this diet once in a month only and not more than that. So what will be the benefits at the end of this diet? Agar aap is diet ko 5 din ke liye sincerely follow kar sakte ho, to aapko kya kya benefits hone wale hain? सबसे पहला तो आपका पेट आधे से 1 inch तक कम हो जाएगा, 2 से 3 kilo तक आपका वजन भी कम हो जाएगा, साथ ही में इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूवमेंट इन स्किन एंड हेयर, बेटर डाइजेशन, नो मोर ब्लोटिंग, बेटर मूड, नो मोर इन्फ्लेमेशन एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड फ्रेश। तो ये था हमारा आज का डिटॉक्स डाइट। इट्स अ 5 डेज डिटॉक्स। इसे ज़रूर फॉलो करें और आपके बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स हमें ज़रूर भेजें। हम उसे हमारे पेज पे डिस्प्ले करेंगे एंड यू गोना गेट एक्साइटिंग गिफ्ट फ्रॉम अस। बट इस डाइट को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।